यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि आज आप जानते हैं, एक भारी जुलूस जो है एक गांव से निकला है और यहाँ ये काली माता का जो मंदिर है जो बिबियापुर में, यहाँ पर आके उन्होंने विधिवत पूजा की। जरवल कस्बा पहुँच करके उन्होंने अग्रवाल मोहल्ले में जो वहाँ मंदिर है राम जानकी की, वहाँ भी पूजा किया है। वो प्रधान जी भी मेरे बीच में है, हम पूरा नाम भी पूछेंगे कौन सा जुलूस है क्या है। तो प्रधान जी एक बार नाम जानेंगे आप। विद्याराम यादव एडवोकेट, प्रधान ग्राम पंचायत मथुरेपुर। तो प्रधान जी, ये जो यात्रा आप लेकर के चल रहे हैं, आज जुलूस लेकर चल रहे, क्या है, क्या है इसके बारे में? राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवाना है, इसलिए हम इसको भ्रमण करवा रहे हैं मूर्ति का। तो ये मूर्ति ये कहाँ मंदिर बनेगी आपकी? ये मथुरेपुर में बनेगी, मथुरेपुर नथुपुरम बनेगी, नथुपुरम में। तो यानी कि मंदिर बन चुकी है, मंदिर बन चुका है, केवल प्राण प्रतिष्ठा करवाना है मूर्ति। तो आज कहाँ आप पहुँचे? जैसे आज हम जैसे अपने गाँव से निकले तो गाँव में एक मंदिर था राम कुमार श्रीवास्तव का, वहाँ गए। उसके मरोठी में एक मंदिर था, वहाँ गए। फिर जरवल में अग्रवाल मोहल्ला में राम जानकी का मंदिर था, वहाँ गए। फिर काली माता का मंदिर था, वहाँ आए। अब हम बीबी पर मोड़ पे इसमें खड़े हैं। आगे भी मुझे कई मंदिरों में मंदिर को मूर्ति को ले जाना है। ले जाएंगे, वहाँ पूजा वूजा होती है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा वहाँ करेंगे। शाम को प्राण प्रतिष्ठा विधिवत की जाएगी। नहीं, सुनने में आप कोई भंडारा भी करेंगे? हाँ, भंडारा परसों। भंडारा कब तक करेंगे आप? अब परसों करेंगे, 4 तारीख को भंडारा। और नहीं, जो आपकी मंदिर बन रही, लगभग कितनी लागत आई होगी? अब लागत तो सामंजस्य इधर उधर से इकट्ठा करके किया गया, चंदे से की गई है, तो कोई कलेक्ट नहीं किया गया कितना लगा है, लेकिन काफी पैसा लगा होगा। अरे हाँ, जो कोई लगा हो। तो एक चीज और जानेंगे, राधा कृष्ण की जो आपके यहाँ मंदिर बन रही है, शायद ये पहली मंदिर होगी, क्या ऐसा है? हाँ, हमारी ग्राम पंचायत में पहली मंदिर है। नाम क्या बताते प्रधान जी? विद्याराम यादव एडवोकेट, प्रधान ग्राम पंचायत मथुरेपुर। कैमरा मैन और पीछे चले जाए, देखिए यहाँ पर आपके बीच में प्रधान जी है, और इन्होंने आज काफी, इनके साथ लगभग, मैं आपको बता दूं, लगभग 2 दर्जन से ऊपर यहाँ पर गाड़ी मौजूद है, जिनका काफिला लेकर के ये अपने गांव से निकले हैं और इस वक्त बिबियापुर में मौजूद है। मैं बात करता हूँ हमारे बीच में अनिल भैया, थोड़ा कैमरामैन और नजदीक आ जाए, क्या एक बार पूरा नाम जानेंगे? अनिल यादव। तो अनिल भैया, जो आज ये आप लेकर के जुलूस चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जुलूस बहुत ही सराहनीय जुलूस रहा है जी। ये आप जान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे कैसरगंज विधानसभा में सबसे नंबर एक की अगर कोई मंदिर बनी है तो मथुरेपुर में बनी है, और वहाँ पे मूर्ति जो राधा कृष्ण की रखी जा रही है, और इतना बड़ा जुलूस, इतना भव्य जुलूस अगर देखने को मिला है तो सिर्फ हमारे कैसरगंज विधानसभा में ये पहली बार मिला है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का, और हमारे प्रधान जी का, हमारे शिवपाल यादव जी जो प्रधान खुर्रमपुर है उनका, चाचा जी हमारे रामफेरे जी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। अतुल भैया है हमारे, सब लोग युवा साथी हैं, और आपका भी स्वागत करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और जो है हम लोगों से जो है डिबेट लिया, जानकारी लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर अनिल भैया ने भी अपनी बात रखी, कम शब्दों में आपसे भी जानेंगे, आप खुर्रमपुर से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो ये आज जो ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति निकाली, क्या कहेंगे? हम और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि केवल जो कुछ हुआ उन्हीं की कृपा है, और कृष्ण की कृपा है जी, उन्हीं की कृपा के अनुसार हम लोग जो वो चाहते हैं वही कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करता। देखिए कैमरामैन और पीछे चले जाए, देखिए इनका कहना है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, जब तक भगवान का आदेश नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये राधा कृष्ण की मूर्ति, बड़ी मूर्ति और विशाल एक मंदिर बन रही है जहाँ पर स्थापित हो रही है, जैसा कि हमारे बीच में प्रधान जी और अनिल भैया ने अपनी बात को रखी है। देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, किसी आप लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और मंदिर में अगर दर्शन करना हो तो आप वहाँ पहुँच करके राधा कृष्ण की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं और विधिवत पूजा कर सकते हैं।